जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 संबंध तथा फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शंस के प्रश्नावली 2.3 को पढ़ने जा रहे हैं। देखें, अभी तक प्रश्नावली 2.2 तक संबंध था, अब हमको फलन पढ़ना है। तो फलन होता क्या है समझ लीजिए कि विशेष प्रकार के संबंध को, ऐसा संबंध जो स्पेशल टाइप का हो, तो विशेष प्रकार के संबंध को ही फलन कहते हैं। फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, जिसको मैपिंग कहा जाता है। और जब यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, तो फलन हमको समझ में आ जाएगा कि फलन क्या होता है। चले देखें, पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहले क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं? पहले तो आपको कंफर्म करना है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं। कारण का उल्लेख कीजिए, आप बताइए उसका कारण क्या है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर बताइए। तो चले ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। हम सबसे पहले ये प्रश्न नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का हम सलूशन आपको समझाने जा रहे हैं। ज़रा देखें, हम यहाँ एक सेट को यहाँ लिखते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरे सेट बी को हम यहाँ लिखते हैं। तो पहले वाले जो एलिमेंट होंगे ना, वो सेट ए के एलिमेंट होंगे, और दूसरे वाले जो एलिमेंट होंगे वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। तो देखिए, पहले दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14 और ये है 17। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर इन सब का संबंध 1 से है। तो आप देखिए, 2 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध भी 1 से है, 8 का संबंध भी 1 से है, 11 का संबंध भी 1 से है, 14 का संबंध 1 से है, और 17 का संबंध भी 1 से है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्रमित युग्म है 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1, इनको क्रमित युग्म कहते हैं। और क्रमित युग्म में थोड़ा सा जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनका जो यक्ष एलिमेंट है, ये जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का एक्स एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यक्ष एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो यह फलन होगा, और अगर रिपीट हो जाएगा तो फलन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यक्ष एलिमेंट में 2 कहीं नहीं आया है, 5 भी कहीं नहीं आया है, 8 भी कहीं नहीं आया है, 11 भी कहीं नहीं आया है, 14 भी कहीं नहीं आया है, 17 भी कहीं नहीं आया है। तो यक्ष एलिमेंट दोहराना नहीं चाहिए। तो अगर यक्ष एलिमेंट केवल एक जगह होगा तो ये फलन हो जाएगा, यानी ये जो पहला वाला पार्ट है वो फलन है। अब आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा था कि अगर फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यक्ष एलिमेंट जो होता है वो प्रांत होता है, और वाई एलिमेंट जो होता है वो परिसर होता है। तो देखें, अब फर्स्ट पार्ट का हम परिसर देखते हैं। तो परिसर का मतलब वाई एलिमेंट। यक्ष एलिमेंट जो होता है प्रांत होता है, वाई एलिमेंट परिसर होता है।
तो देखिए वाई एलिमेंट में केवल वन ही है, तो इसका परिसर जो होगा वो वन होगा। अब इसके बाद हम सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए बिना फिगर के ही हम समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देखें जो यक्स एलिमेंट है, पहले यक्स एलिमेंट को देखें। देखें एक्स एलिमेंट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। हमने आपको बताया था कि क्रमित युग्म का एक्स एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, और सेकेंड वाले में भी देख रहे हैं कि यक्स एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर यक्स एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो फलन होगा, रिपीट हो जाएगा तो फलन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो सेकेंड वाला है यह भी फलन है, और अगर इसका हम परिसर निकालना चाहें तो अगर प्रांत पूछता तो यक्स का मान, परिसर पूछ रहा है इसका मतलब वाई का मान, तो देखिए परिसर में क्या है, यानी सबका जो वाई एलिमेंट होगा वही परिसर होगा। तो देखिए वाई एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये परिसर हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट का सलूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया है, देखिए अब एक्स एलिमेंट को हम देखें तो एक्स एलिमेंट में क्या है, देखें यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आप देख रहे हैं कि यक्स एलिमेंट रिपीट हो गया। तो अगर यक्स एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो ये फलन नहीं होगा। तो यहाँ एक्स एलिमेंट रिपीट हो गया है, इसलिए थर्ड वाला जो पार्ट है यह फलन नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है निम्नलिखित वास्तविक फलन। वास्तविक फलन आपको मालूम है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि प्रांत का मतलब यक्ष का मान और परिसर का मतलब वाई का मान। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड एक्स, तो यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना है। एक चीज़ देखें, प्रश्न में आपसे कह दिया है कि यह वास्तविक फलन है, तो वास्तविक फलन होगा तो यहाँ पर यक्स जो होगा वही प्रांत होगा और यक्स रियल नंबर होगा। यानी यहाँ पर जितने भी रियल नंबर होंगे, जितने भी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे होंगे, ये सभी प्रांत हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आपको परिसर ज्ञात करना है तो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये देखिए कि ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, तो सबसे अधिकतम मान जो होता है शून्य होता है, क्योंकि शून्य से नीचे जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी ऋणात्मक होती हैं। तो जो मैक्सिमम मान होता है उसके सामने बड़ा कोष्ट लिखते हैं, क्योंकि इसका मान ये माइनस है, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या शून्य से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसका मान शून्य से आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसका मान -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन -इनफाइनाइट हो सकता है। तो जो मान चेंजेबल होता है उधर के तरफ हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और जो वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है उसके तरफ हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं। तो याद रखे रहिएगा, पहले वाले पार्ट का जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा और परिसर जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो होगा। अब इसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट
9 माइनस यक्स स्क्वायर। तो एक बात देखें, आपसे प्रांत पूछ रहा है, परिषद पूछ रहा है, तो प्रांत का मतलब यक्स का मान। तो अब कोई भी फलन निगेटिव नहीं होता है। तो अगर फलन निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। अब रूट के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, यानी 9 माइनस यक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। और फिर अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 9 हो जाएगा, और यक्स की वैल्यू निकालें अंडर रूट 9 हो जाएगा। फिर 9 का आप वर्गमूल निकालें तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो यक्स का मान यानी यही प्रांत होता है। तो अब यहाँ से प्रांत पूछा जा रहा है, तो देखें न्यूनतम मान -3 है और अधिकतम मान +3 है। तो इसको लिख सकते हैं -3 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू +3, या केवल हम 3 लिख देंगे। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, यानी यक्स की वैल्यू -3 के बराबर होगी या -3 से अधिक होगी, और +3 के बराबर होगी या +3 से कम होगी। तो ये तो निकल गया प्रांत। अब अगर परिसर हमें ज्ञात करना हो, तो परिसर ज्ञात करने के लिए देखें, परिसर ज्ञात करने के लिए fxy होता है। परिसर में fx जो होता है, fxy होता है। देखें तो y इजकल टू अंडर रूट 9 माइनस यक्स स्क्वायर। तो y पॉजिटिव होने चाहिए, और y पॉजिटिव कब होगे ध्यानपूर्वक देखें, या चाहें तो हम दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इजकल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर इधर ला देंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब या x की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, तो देखें यहाँ से y का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। y का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, क्योंकि y के जगह पर 0 रखेंगे तो करड़ी में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। तो y का मान न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम 3 हो सकता है। तो इसका जो प्रांत होगा, यह प्रांत का मतलब यक्ष का मान, तो यक्ष का मान 0 से 3 के बीच में होगा। तो इस प्रकार ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आप सो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हाँ देखें ये गलती से ये परिसर है प्रांत लिखा गया है, तो ये परिसर है, परिसर जो होगा वो 0 और 3 के बीच में होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।